मार्जिन रिक्वायरमेंट थी 1,34,000 की। अब जब मैंने इसको हेज किया तो मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी 29,152। अगर आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखना चाहोगे आपको ओपन इंटरेस्ट भी दिख जाएगा। ये सब चीज़ें पेड होती थी किसी टाइम पे, इन सबको धन ने फ्री कर दिया क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बना ही ट्रेडर्स के लिए। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिसमें हम धन की ट्यूटोरियल वीडियोस डाल रहे थे कि इस प्लेटफॉर्म में जो कि ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है आपके पास क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगी। जैसे सबसे पहले हमने आइसबर्ग ऑर्डर की वीडियो डाली, उससे पहले हमने सुपर फास्ट स्कैल्पिंग की वीडियो डाली, कल हमने एक वीडियो डाली फ्लैश ट्रेड्स की जिसमें आप फटाफट फ्लैश ट्रेड कर सकते हो। अब उसके बाद मैंने वीडियो डाली प्लेज अनप्लेज की कि आप कैसे अपने स्टॉक्स को प्लेज करके उसका मार्जिन यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो। आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ कस्टम स्ट्रेटजी बिल्डर जो धन में आपको मिलता है, जिसके साथ आप अपनी कोई भी स्ट्रेटजी बना सकते हो। जैसे सपोज आप ऑप्शन सेलर हो या ऑप्शन बायर हो, आप हेजिंग करना चाहते हो, या आप कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है आयरन बटरफ्लाई आयरन कंडोल, या शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो जिसमें आप साथ में एक ऑप्शन हेज करना चाहते हो, तो आप देखना चाहते हो आपकी उस स्ट्रेटजी में किस डेट पे पर्टिकुलरली किस पॉइंट पे आपको क्या प्रॉफिट और लॉस होगा, क्या ब्रेक इवन पॉइंट्स है स्पॉट चार्ट पे, ये सब चीज़ें। जैसे आप अगर इंडेक्स ट्रेडिंग करते हो या स्टॉक ट्रेडिंग करते हो तो आपने देखा होगा इंडेक्स को ट्रेड करने के लिए आपको या तो फ्यूचर्स में ट्रेड करना पड़ता है या ऑप्शन, आप इंडेक्स को डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। स्टॉक्स को आप डायरेक्टली भी ट्रेड कर सकते हो और स्टॉक के ऑप्शन में भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो वहाँ सब जगहों पे जैसे आप अगर इंडेक्स के ऑप्शंस पे ट्रेड कर रहे हो या स्टॉक के ऑप्शंस पे ट्रेड कर रहे हो तो स्ट्रेटजी बिल्डर एक बहुत ही यूजफुल प्लेटफॉर्म है जिसके साथ आप स्ट्रेटजी बनाने के साथ साथ ब्रेक इवन पी एंड एल, किस डेट को क्या प्रॉफिट होगा, एक्सपायरी डे पे क्या प्रॉफिट होगा, सब कुछ दिख जाएगा। तो आ जाओ आपको मैं धन के प्लेटफॉर्म पे लेके चलता हूँ। आपको सबसे पहले धन में जाके ये वेबसाइट को ओपन करना है optiontraders.dhan.com। आपने जैसे ही ये वेबसाइट ओपन की, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आपका धन में सबसे पहले तो आपका धन में अकाउंट होना चाहिए, डीमैट अकाउंट धन में आपका ओपन होना चाहिए। अगर आपका डीमैट अकाउंट धन में ओपन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लाइफ टाइम फ्री AMC है, कोई चार्जेस नहीं है, आप जाके अकाउंट अपना धन में ओपन करा सकते हो। अकाउंट ओपन कराने के बाद जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा optiontraders.dhan.co खोलोगे। अब जैसे आजकल आपने मार्केट देखी होगी, अब आज की मार्केट में क्या हो रहा था, आज की मार्केट बार बार ऑप्शन सेलिंग के मूव्स दे रही थी, मतलब ऑप्शन बाइंग के मूव्स में इस मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होता था उसके बाद पैसा बनता था। बट ऑप्शन सेलिंग की मार्केट, अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन सेल किया हो, सपोज मुझे अब ये पॉइंट पता है दो बार यहाँ पे डबल टॉप बन गया, तीसरी बार यहाँ पे आएगा तो मैं 22,200 का एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट करूँगा, बट यहाँ पे मुझे 1.5 लाख की रिक्वायरमेंट हो। अब यहाँ पे आती है कि अगर मैं 22,300 का कॉल बाय कर लूँगा तो मुझे मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। वही सब चीज़ें आप इस स्ट्रेटजी में से देख सकते हो कि आपकी क्या एग्जैक्ट मार्जिन होंगे, क्या सब कुछ होंगे। अभी की मार्केट देखूं तो मुझे दिख रहा है कि इस एरिया से यहाँ पे ये एक रिजेक्शन है। मॉर्निंग में मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई, फिर डाउन आ गई मार्केट, फिर बुलिश कैंडल बनाई। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यहाँ तो यहाँ पे ये एक पुल बैक हो सकता है, ये एक पुल बैक हो सकता है कि यहाँ पे पुल बैक लेके मार्केट ऊपर जाएगा अपने डे हाइज तक, या यहाँ से फिर से सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। जो ये सेलिंग है, ये जो मार्केट में आया है वॉर के कारण, ये फिर से यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में क्या आता है स्ट्रेटजी बनाने के लिए, वो मेरे पास ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर को यूज़ करने का आता है। मैं यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर आपको दिखाता हूँ, आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे स्ट्रेटजी बिल्डर पे जाना, optiontraders.dhan.co पे जाके मेजर इंडेक्स इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। आप किस में बनाना चाहोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज मुझे निफ्टी में बनाना है, इसके अलावा भी आपको सेंसेक्स में भी बनाना है। सपोज आप यहाँ पे सेंसेक्स टाइप कर दो, आप सेंसेक्स में बना दोगे, जो आप जिसमें बनाना चाहो आप बना। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे यहाँ पे जाके ऐड न्यू करना है। सपोज मैंने आपको अभी यहाँ पे क्या कहा, मुझे यहाँ पे अगर इस पॉइंट से सेलिंग कंटिन्यू होनी है, मुझे यहाँ पे 22,150 के कॉल को सेल करना है। मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया कॉल। अब इसके जब मैंने ये यहाँ पे ऐड किया तो आप देखो मुझे मार्जिन चाहिए 1,33,000 का एक लॉट को सेल करने के लिए। तो मैं यहाँ पे हेजिंग के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके 22,150 के कॉल को मैंने सेल किया है, मैं यहाँ पे जाके 22,200 या 250 का कॉल बाय कर लूँगा, मेरा हेज भी हो जाएगा, लॉस भी लिमिटेड हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। अभी इस ट्रेड में मुझे दिख रहा होगा मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड, मैक्सिमम प्रॉफिट 3295। ये तो कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, एड न्यू पे जाऊँगा,
मैंने यहाँ पे जाके सपोज अब 22,250 को मैंने यहाँ पे कॉल को बाय कर, अब आप ये देखोगे मेरा मैक्सिमम लॉस 3170 का होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट 1830 रुपीज का होगा, ब्रेक इवन 22,186 पे होगा, डेल्टा थीटा गामा वेगा सब बताया मुझे, निफ्टी कहाँ पे होगा, मुझे कितना प्रॉफिट लॉस होगा सब बताया। अगर निफ्टी ये देखो जहाँ पे निफ्टी अभी है, अगर निफ्टी यहीं का यहीं रह जाता है तो मुझे 1830 रुपीज का प्रॉफिट होगा एक्सपायरी वाले डे पे, मतलब थर्सडे को, आज -5.96। अगर ये आप देखो जैसे जैसे मैं माउस पॉइंटर पीछे 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 कर रहा हूँ, जितना निफ्टी नीचे गिरेगा, सिंस मैंने कॉल शॉर्ट की है, जब आप कॉल बाय करते हो ऑप्शन बायर्स का पैसा बनता है, जब कॉल शॉर्ट करते हैं तो सेलर्स का पैसा बनता है ऑप्शन सेलर्स का, तो यहाँ पे मैंने देखा मार्केट, अब मेरा व्यू अगर मैं कॉल बाय कब करता हूँ, जब मुझे होता है मार्केट ऊपर जानी है, मैं कॉल शॉर्ट कब करूँगा, जब होता है मुझे मार्केट नीचे जानी, नीचे जाने के केस में यहाँ तो मैं कॉल को शॉर्ट कर सकता हूँ या मैं पुट को बाय कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट की और कॉल शॉर्ट करके यहाँ पे ये देखो मुझे सब दिख रहा है कि मार्केट अगर सपोज 21,750 तक आ जाती है 1830 रुपीज का प्रॉफिट, मतलब एक्सपायरी वाले डे पे तो मुझे यहाँ पे जहाँ पे मार्केट है यहीं की यहीं पे भी मार्केट थर्सडे तक रह जाती है ना, तो मुझे 22,130 रुपीज का, ओ सॉरी मुझे 1830 रुपीज का पर लॉट प्रॉफिट हो जाएगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी जितना मार्केट आज ही फॉल कर जाएगी उतना मुझे पैसा, अगर सपोज मार्केट आज के दिन पे 21,330 तक आ जाती है तो मुझे आज ही पूरा पैसा मिल जाएगा। इस तरह से ऑप्शन सेलिंग वर्क करती है। अब यहाँ पे आप देखो मुझे पहले मार्जिन कितना चाहिए था, मार्जिन रिक्वायरमेंट थी 1,34,000 की, अब जब मैंने इसको हेज किया तो मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी 29,152। अब मेरे अकाउंट में फंड्स इस टाइम कम है 25,901, मुझे 5,000 रुपये और चाहिए, मैं यहाँ से जाके इमीडिएट इसको टॉपअप भी कर सकता हूँ, यहाँ पे टॉपअप दबाऊंगा मैं, मेरे पास UPI नेट बैंकिंग जिसके थ्रू मैं टॉपअप करना चाहूँ उसके थ्रू टॉपअप करने का ऑप्शन भी इमीडिएट आ जाएगा स्ट्रेटजी के हिसाब। अब मैं आपको आगे दिखाऊँ तो यहाँ पे P&L टेबल भी है, कितना P&L अभी -115 है जब से मैंने अभी तक बनाया, मैक्स प्रॉफिट टोटल लॉस ब्रेक इवन आपको बता दिया मैंने, स्ट्रेटजी चार्ट भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखो सारा कि ये कैसे 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 मूव कर रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की जाएगी। मल्टी स्ट्राइक OI तो मैं तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारी ये यूजफुल चीज़ें हैं P&L और पे ऑफ का। अगर आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखना चाहोगे आपको ओपन इंटरेस्ट भी दिख जाएगा, इस टाइम जैसे सपोज अब मुझे शॉर्ट करना है 22,150 का कॉल, मुझे ओपन इंटरेस्ट चेक करना है कि कितना है, तो कॉल साइड पे OI यहाँ पे 22,200 पे कॉल साइड पे OI काफ़ी ह्यूज है आपको ये दिख रहा है, और अगर मैं 22,100 की बात करूँ या 150 की बात करूँ तो यहाँ पे कॉल साइड पे OI ठीक ठीक है, यहाँ पे पुट OI ज़्यादा है, 22,150 पे पुट का OI ज़्यादा है, यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हैं तो ये भी मुझे पता चल जाता है, तो मैं यहाँ से 22,200 की कॉल को भी शॉर्ट कर सकता हूँ, मार्जिन रिक्वायरमेंट 26। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा कम हो गया, मैक्सिमम लॉस ऑप्शन सेलिंग में जो होता है, अगर आप ऑप्शन सेल करने जा रहे हो या कोई कस्टम स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ह्यूज होती है, उसको कम करने के लिए जब आप स्ट्रेटजी बनाते हो कोई हेजिंग पोजीशन आप साथ में लेते हो, जैसे मुझे कॉल सेल करना है तो मैं एक OTM कॉल को बाय कर लूँगा, मुझे पुट सेल करना है मैं एक OTM पुट को बाय कर लूँगा, होगा क्या लॉस भी लिमिटेड हो जाएगा और मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। अब इसमें आपको ये भी जैसे सपोज मुझे इंट्राडे के लिए ही लेना है कि मेरा 319 पे सारी रैक्स जो मैंने ये रैक्स बनाई हैं स्केयर ऑफ हो जाए, तो मैं यहाँ से इंट्राडे सेलेक्ट करूँगा, लॉट्स बढ़ाने हैं मैं यहाँ से लॉट्स बढ़ा दूंगा। अब यहाँ पे एक आपको और ऑप्शन मिल जाता है फास्ट क्रिएट का, यहाँ पे आपको बनी बनाई स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे आप देखोगे आपको बुल कॉल स्प्रेड मिल गया, बुल कॉल स्प्रेड जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है 22,150 का कॉल बाय किया, 22,250 का कॉल सेल किया, बुल मार्केट बुलिश होगी तब आपको पैसा मिलेगा, तो इसका पे ऑफ आप देखोगे आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है कि जब मार्केट 22,150 से जितना ऊपर जाएगा आपको उतना पैसा मिलेगा, इसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या आपको होगी, मतलब ये हेजिंग वाली सारी स्ट्रेटजीज, यहाँ पे मुझे बुल पुट स्प्रेड बनाना है, मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा बट मुझे कॉल की जगह पुट का स्प्रेड बनाना है, तो पुट में स्प्रेड बन जाएगा, 21,950 का पुट बाय किया, 22,250 का पुट शॉर्ट किया, इसमें मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट 37,815 की है, मुझे बेयर कॉल स्प्रेड बनाना है, मुझे मार्केट नीचे जाएगा, मेरा व्यू है मार्केट बेयरिश है तो वो बन जाएगा बेयर पुट स्प्रेड, शॉर्ट स्ट्रेडल बनाना है। जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे उस टाइम पे जब ऑप्शन सेलिंग मैं करता था 2016 में, ऐसी फैसिलिटीज़ तो थी नहीं, ऑप्शन सेलिंग में आपको ये सब चीज़ें पहले पढ़नी पड़ती थी प्रॉपरली, अब तो सब बनी बनाई आपको मिल रही है, आपको शॉर्ट स्ट्रेडल बनाना है वो बन जाएगा, शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाना है वो बन जाएगा, सबके पे ऑफ ग्राफ्स दिख जाएंगे, शॉर्ट आयरन कंडोर बनाना है वो बन जाएगा,
आपको शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बनाना है वो बन जाएगा। अब ये आयरन बटरफ्लाई, आयरन कंडोर, ये चीजें बनाने में ट्रेडर्स की बैंड बच जाती थी किसी टाइम पे। इतना आसान कर दिया है धन ने ये सब चीजें करना कि मैं खुद देख के हैरान हूँ कि प्लेटफॉर्म एक्चुअल में मेड फॉर ट्रेडर्स है। अब ये देखो स्ट्रेटजी कितनी बढ़िया है, ये हमने यहाँ से चूज किया रॉन्ग स्ट्रेडल। इसमें क्या है कि आपका मैक्सिमम लॉस 7740 का है और मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड का है। लॉस होगा अगर मार्केट इस एरिया के बीच में रहेगी, एक कॉल ऑप्शन लिया एक पुट ऑप्शन लिया, और प्रॉफिट होगा अगर मार्केट इस एरिया से निकल जाएगी, जो चीज़ ज़्यादातर एक उस पर की जाती है बजट डेज पे। उसके बाद लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई, मतलब बाइंग वाली, वो तो शॉर्ट वाली थी जो उसमें सेलिंग वाले थे, यहाँ पे बाइंग वाले ट्रेड्स मेन है। आपको आयरन सब कुछ, सब स्ट्रेटजीज, आप ये जो निफ्टी में कर रहे हो यही चीज़ आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो। सपोज मुझे सेम चीज़ अब HDFC बैंक में करनी है, मैं HDFC बैंक में भी ये सेम चीज़ कर सकता हूँ। मुझे HDFC बैंक एक, जब आप जब भी सिलेक्ट करोगे निफ्टी, आपको एक बनी बनाई स्ट्रेटजी मिलेगी। मिले जैसे यहाँ पे मुझे मिला 22150 का कॉल, इसने बाय किया हुआ, और 2250 का कॉल इसने सेल किया हुआ। मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेटजी मुझे बनी बनाई मिल रही है जहाँ पे मुझे पैसा कम मिलेगा। मतलब इसने एक तरह का बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे बनाया हुआ है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो मेरा इस ट्रेड में पैसा बनेगा, नहीं तो मुझे 1920 का लॉस हो जाएगा। ये बुलिश मार्केट के लिए है। अब यहाँ पे मुझे बेयरिश के लिए बनाना है, तो मैंने आपको बेयरिश के लिए भी दिखाया था, ये बेयरिश मार्केट के लिए बन गया। तो सब चीज़ें आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। कस्टम स्ट्रेटजी बिल्डर इतना आसान प्लेटफॉर्म है ये स्ट्रेटजीज बनाने के लिए। और आज ये वीडियो शूट करने का मेन पर्पस भी यही था कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि मार्केट आजकल, अब ये जो मार्केट है आज के दिन पे, ये मार्केट इजीली अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है। यहाँ पे गैप था, सुबह लगा ये गैप फिल करने जाएगी, उससे पहले ही मार्केट वापस मुड़ गई, डे लो तोड़ा, यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया मार्केट ने, फिर ऊपर चलेगी मार्केट। तो ये ट्रैपिंग मार्केट में ऐसी स्ट्रेटजीज और ऐसी हेजिंग पोजीशंस बना के ही आप सेफ प्ले कर सकते हो, नहीं तो आप सेफ खेलना मुश्किल हो जाए। अब मुझे यहाँ पे सपोज ये कॉल के साथ कुछ और भी ऐड करना है, मैं यहाँ पे जाके इसको टिक मार्क करके इसको और भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मुझे इसको सी की जगह पी करना है, मैं सी की जगह पी कर सकता हूँ। सब कुछ इजी है। अब जब मेरे पास एक स्ट्रेटजी तैयार होगी तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको सीधा एग्जीक्यूट कर दूंगा, या मैं यहाँ से एक बास्केट क्रिएट कर दूंगा। जैसे मैंने अब यहाँ पे 22250 का कॉल, मैंने यहाँ पे एक बुलिश बास्केट बना दी। मतलब ये बास्केट मेरी रेडीमेड रहेगी कि द मिनट मुझे यहाँ पे लगे कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है, मैं यहाँ पे आऊँगा, बास्केट्स पे जाऊँगा और इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, इमीडिएट वे पे मेरी एग्जीक्यूट हो, इतना क्विक हो जाएगा आपका काम। अब यहीं पे आप अपने स्ट्रेटजी का सब कुछ देख सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया पे ऑफ ग्राफ, P&L टेबल, क्या आपकी स्ट्रेटजी में रनिंग प्रॉफिट्स है, क्या आपकी स्ट्रेटजी में रनिंग लॉस है, स्ट्रेटजी चार्ट, मल्टी स्ट्राइक OI, आपको ओवरऑल मार्जिन कितना चाहिए, हेज बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, कितना मतलब कितना मार्जिन लगना था अगेंस्ट आपको कितना मार्जिन चाहिए हेजिंग के कारण, और आपको यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है 1847 का, मैक्सिमम प्रॉफिट 3152 का, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, सब कुछ यहीं पे दिख जाए। अब मैं आपको यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फीचर दिखाता हूँ। अब जैसे मुझे मल्टीपल स्ट्रेटजीज बनानी है आज के दिन पे, मुझे है कि मुझे एक कॉल वाली स्ट्रेटजी बनानी, बुल कॉल स्प्रेड बनाना है, मुझे एक बुल पुट स्प्रेड बनाना है, मुझे बेयर कॉल स्प्रेड बनाना है, मुझे आयरन बटरफ्लाई बनाना है, आयरन कंडोर बनाना है, और उसके बाद सभी स्ट्रेटजीज स्टेप बाय स्टेप इवेल्यूएट करके किसी एक को एग्जीक्यूट करना है, उसका भी ऑप्शन दिया इन्होंने। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास ये एक स्ट्रेटजी रेडी है, मुझे यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड की एक स्ट्रेटजी है जो रेडी है, मुझे इसको सेव करना है इस टाइम। मैं यहाँ से स्ट्रेटजी स्नैप्स पे जाऊँगा, कैप्चर का बटन दबा दूंगा, नंबर वन पे ये स्ट्रेटजी सेव हो जाएगी। मुझे बुल पुट स्प्रेड की एक स्ट्रेटजी को सेव करना है, या यहाँ पे मैंने कुछ कस्टम स्ट्रेटजी बना दी इसकी जिसको मैंने अब यहाँ पे सेव करना है, तो मैं यहाँ पे नंबर टू पे चले जाऊँगा, मेरे पास सेव हो जाएगी। अब मुझे जैसे ही नंबर वन के साथ नंबर टू कंपेयर करनी, मैं स्ट्रेटजी स्नैप्स पे जाऊंगा, नंबर वन दबाया, नंबर वन लोड होगी, नंबर टू दबाया, नंबर टू लोड होगी, है ना इंटरेस्टिंग फीचर। अब ये सब चीज़ें पेड होती थी किसी टाइम पे, इन सबको धन ने फ्री कर दिया क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बना ही ट्रेडर्स के लिए। अब एक आपको और इंटरेस्टिंग फीचर दिखाता हूँ। अब जैसे कई बार होता है कुछ प्रो ट्रेडर्स हैं जो मल्टीपल स्ट्रेटजीज के पे ऑफ ग्राफ्स को साइमल्टेनियसली इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ टेस्ट आउट करना चाहते हैं, उनके ये भी फीचर है। अब यहाँ पे जैसे हमने ये जो तीन स्ट्रेटजीज लोड की हैं, इनके कलर पर्पल हो गए हैं, मुझे कोई और भी स्ट्रेटजी यहाँ पे ऐड करनी है, मैं उसको भी लोड करता हूँ, तो उसका कलर भी आप देखोगे ये ट्रांसपेरेंट से कलर से पर्पल में चेंज हो जाता है, या ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, जो भी आप इस कलर को कहना चाहोगे। अब मुझे इसके बाद कुछ एनालाइज करना है मल्टीपल स्ट्रेटजीज को, तो मैंने यहाँ पे देखो एक स्ट्रेटजी ऐड की, एनालाइज पे गया, मैंने मल्टी स्ट्रेटजी चार्ट पे गया, एक स्ट्रेटजी ऐड की बुल कॉल स्प्रेड, इसके साथ मैं एक और स्ट्रेटजी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। सपोज अब मैं ये स्ट्रेटजी बना देता हूँ, एक इसको सेल कर देते हैं,
और इसको बाय कर देते हैं। ये कॉल स्ट्रेटजी मेरी यहाँ पे बन गई, स्ट्रेटजी टू में आ गया, जिसमें मैंने 22,200 की कॉल को सेल किया और 250 की कॉल को बाय किया, मतलब मैंने कॉल शॉर्ट किया। फर्स्ट नंबर पे मैंने बुल कॉल स्प्रेड बनाई है मार्केट ऊपर जाने का, सेकंड नंबर पे मार्केट नीचे आने का स्ट्रेटजी बनाया। एक और यहाँ पे सपोज मुझे अब ऐड करना है, मैं एक और ऐड कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देता हूँ 22,200 को या 22,150 को शॉर्ट कर देता हूँ और मैं साथ में 22,050 को बाय कर देता हूँ। तो ये दो स्ट्रेटजीज मैचिंग हो जाती है। जैसे अब ये स्ट्रेटजी भी तभी मार्केट में पैसा देगी जब मार्केट ऊपर जाएगी, और ये स्ट्रेटजी भी नंबर वन भी तभी पैसा देगी जब मार्केट ऊपर जाएगी, नंबर थ्री भी तब पैसा देगी। बस फर्क ये है कि ये काइंड ऑफ एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है जिसमें मैंने हेज किया हुआ है, और ये काइंड ऑफ ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है जिसमें मैंने पुट को शॉर्ट किया हुआ है। वहाँ पे कॉल बाय किया है, यहाँ पे पुट को शॉर्ट किया है। मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, मैं इस पर टिक करता हूँ। मुझे दोनों के चार्ट साइमल्टेनियसली दिखना शुरू हो जाएंगे और मुझे पता चलने लग पड़ेगा कौन सा बेटर वर्क करेगा, क्यों, किस चीज़ के लिए। वो पता मुझे इस चीज़ के लिए चलेगा कि पे ऑफ ग्राफ से मुझे पता चलेगा कि पैसा मुझे तब ज़्यादा मिलेगा जब मैं पुट शॉर्ट करूँगा, या पैसा मुझे तब ज़्यादा मिलेगा जब मैं कॉल बाय करूँगा विद हैचिंग। दोनों मुझे, ये देखो स्ट्रेटजी थी इस कलर की लाइन में है, ये स्ट्रेटजी थी है, और सबसे ऊपर स्ट्रेटजी वन इस कलर की लाइन में है। दोनों में मुझे पता चलने लग पड़ेगा किस पॉइंट पे पहुँच के मुझे कितना पैसा मिलेगा। मार्केट 22,000 पे है, मार्केट 22,200 पे है, ये टाइम के साथ आगे आगे हम जा रहे हैं। ऊपर अगर मैं बात करूँ तो ऊपर हम निफ्टी के साथ आगे आगे जा रहे हैं कि जैसे जैसे आगे आगे टाइम बढ़ता रहेगा मुझे कितना कितना पैसा मिलेगा जब मार्केट 200 पे है, 400 पे है, 600 पे है, सब कुछ मुझे यहाँ पे दिखता रहेगा। अब ये प्लेटफॉर्म उन ट्रेडर्स के लिए बना हुआ जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं और मल्टीपल स्ट्रेटजीज को, यहाँ पे मुझे 10 स्ट्रेटजीज को भी ऐड करना है, उनके ग्राफ्स को भी कंपेयर करना है, मैं कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें इस प्लेटफॉर्म को इतना आसान बना देती है। और एक बात, आप ये web.dhan पे भी यूज़ कर सकते हो और अपने मोबाइल ऐप पे भी यूज़ कर सकते हो स्ट्रेटजी बिल्डर। जब आपको लाइव मार्केट में कुछ भी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना है, आप विद इन सेकेंड्स यहाँ पे आके एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हो और उसकी एग्जीक्यूशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन की अगली वीडियो आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उस टॉपिक पे वीडियो आ जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आया स्ट्रेटजी बिल्डर पे कैसे स्ट्रेटजीज बनानी है, ऑप्शन सेलिंग के लिए कैसे बनी बनाई स्ट्रेटजी मिल जाएगी, आपको कॉल बाय करनी है और साथ में हेज करना है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना पसंद करते तो कैसे आप बुल कॉल स्प्रेड लोगे, आपको पुट बाय करनी है आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना नहीं जानते, वहाँ पे आपको कैसे करना है, सब कुछ आपको बना बनाया मिल जाएगा यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई। बाय एवरीवन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.